तो आज हम आप सबों के बीच नए टॉपिक को लेकर आए हैं। हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक है सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देख रहे हैं कि सर्वनाम, जिसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जो नाउन जो है, क्योंकि हम लोग नाउन का अध्ययन इससे पहले कर चुके हैं, तो नाउन के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, उदाहरण में मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये जो है प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर्वनाम क्यों पढ़ा जाता है आखिर। तो हम लोग अगर बार बार जो है सेंटेंस में, वाक्य में नाउन का उपयोग करते हैं, तो मेरा जो सेंटेंस बनेगा, जो वाक्य बनेगा, वो जो है सुनने में अटपटा सा लगता है, और जो है सेंटेंस जो है हम लोग को सुनने में जो है काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो हम लोग सर्वनाम का उपयोग करते हैं, सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जो रोहन को सभी शाबाशी देते हैं। क्या रोहन एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, उसको जो है सभी शाबाशी देते हैं, क्योंकि रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है, काफ़ी तेज है, होशियार है, और रोहन अपने गुरुजनों का आदर करता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन जो है बार बार आता है। जैसे यहाँ पे रोहन आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं जो है यहाँ पे भी रोहन आ गया, यहाँ पे भी रोहन आ गया। तो ये हमको जो सुनने में अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है, सेंटेंस सुनने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो है इसके स्थान पर अगर हम लोग प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, वो काफ़ी जो है सुंदर लगता है सेंटेंस। तो देख रहे हैं कि रोहन को सभी शाबाशी देते हैं, क्यों? क्योंकि रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है, और रोहन अपने गुरुजनों का आदर करता है। बार बार ठीक नहीं लगता है, हम लोग जो है रोहन 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 बार बार ठीक नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग और भी जो है अलग से उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, कि जैसे राम पढ़ता है, राम जो है सुबह स्कूल जाता है, राम जो है खेल रहा है, तो बार बार राम का नाम लेते हैं, तो ये हमको सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर हम लोग नाउन, राम क्या है, नाउन है, नाउन के जगह अगर हम लोग जो है प्रोनाउन का, यानी संज्ञा के स्थान पर अगर सर्वनाम का उपयोग करते तो वो सेंटेंस काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे कि हम लोग देखें कि रोहन को शाबाशी देते हैं, इसको जो हम लोग सर्वनाम में चेंज करते हैं कि रोहन, रोहन को सभी शाबाशी देते हैं, रोहन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि अब हम लोग देखिए कि जहां जो है नाउन आया, उसमें हम लोग चेंज करते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं, सर्वनाम लगाते हैं। रोहन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि, अगर रोहन की जगह हम लोग वह लगा देते हैं, वह पढ़ाई में बहुत होशियार, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, और वह अपने गुरुजनों का आदर करता है, तो देख रहे हैं कि सेम सेंटेंस है, वाक्य सेम है, सेंटेंस सेम है, सिर्फ हम जो जहाँ पे नाउन है उसके जगह हम लोग जो है सर्वनाम यानी प्रोनाउन का यूज किए हैं, ताकि सेंटेंस काफ़ी सुंदर लगता है। ऊपर से जो है ज़्यादा ये वाला देखे जो है पढ़ने में, सुनने में सेंटेंस जो है अच्छा लगता है। जैसे रोहन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है, और रोहन जो है अपने गुरुजनों का आदर करता है। यहाँ भी देख रहे हैं रोहन है। तो एक बार अगर हम लोग रोहन का उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है बताते हैं, और जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हुए, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं कि रोहन को सभी शाबाशी देते क्योंकि वह
अब जो है जहाँ सर्वनाम था उसके जगह हम जो जहाँ नाउन था उसके जगह हम लोग सर्वनाम यूज किए। रोहन को जो है सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, और जहाँ नाउन है वहाँ पे क्या दिए हैं, वह जो है परोनाम दिए हैं, सर्वनाम दिए हैं, और वह अपने गुरुजनों का आदर करता है। तो ये ऊपर वाले से ज़्यादा नीचे वाला सेंटेंस जो है हम लोग को काफ़ी जो है अच्छा लगता है। तो इसीलिए सर्वनाम को हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि हिंदी व्याकरण में जो है जो नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेंटेंस में नाउन के बदले में अगर सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और अटपटा सा नहीं लगता, हम लोग को बोलने में काफ़ी सहूलियत लगती है और सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग जो है सर्वनाम को जो पढ़ते हैं, और हम लोग देखिए परिभाषा डिफिनेशन देखिए सर्वनाम का कि संज्ञा के स्थान पर जिस जो है जिस शब्द का या जिस शब्दों का प्रयोग होता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम को अब देखने के सर्वनाम के जो है छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं सर्वनाम के। छह भेद होते हैं, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के छह भेद होते हैं। पहला देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा देख रहे हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा देख रहे हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा नंबर देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो सर्वनाम जो है प्रोनाउन जो है उसको छः भागों में बांटा गया है। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, पाँचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा जो है निजवाचक सर्वनाम। तो पहले हम लोग जो है सर्वनाम के जो छह भेद होते हैं, तो पहले जो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान दें कि पुरुषवाचक सर्वनाम तो किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री वाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है या संज्ञा जो है संज्ञाओं के नाम के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं मैं, हम, तुम, वह, वे आदि, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि मैं, हम, तुम, वह, वे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। यानी जो है हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को जो देख रहे हैं तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके तीन भेद होते हैं। पहला भेद जो है वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जो है उसको बोलते हैं। जो है पुरुषवाचक जो सर्वनाम जो है उसके जो तीन भेद होते हैं उसमें पहला भेद है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं उसको। दूसरा जो है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। और तीसरा जो है उत्तम पुरुष। अब जो है इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, फिर या अन्य पुरुष, फिर देखेंगे कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, और जो है नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आएंगे हम लोग जो है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष या जो है अन्य पुरुष, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखें कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए? तीन भेद हुए। उसमें देखें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष था। प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। यानी अब देख रहे हैं प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, ध्यान दो कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जो प्रथम पुरुष है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष भी कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो, जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को प्रथम पुरुष कहते हैं। यानी कि जो है ऐसे सर्वनाम कि जिसके विषय में बात की जा रही हो, किसी व्यक्ति या के बारे में, किसी जो पर्सन के बारे में बात की जा रही हो किंतु लेकिन वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को हम लोग बोलते हैं प्रथम पुरुष। जैसे वह, वे, उसकी, उनके, उसका आदि। जैसे कि जो वह खेल रहा है, यानी कि जो है उपस्थित नहीं है, खेल रहा था, कौन था नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है,
उसकी कमीज लाल थी। अब जो कौन है, पर्सन के बारे में पता नहीं है, तो उसकी कमीज लाल थी। तो ये देखें कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, यानी कि जो है देखें कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में, जिसके बारे में बात की जा रही हो किंतु वहाँ पे उपस्थित ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पुरुष। नेक्स्ट देख रहे हैं कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको आदि, ये मध्यम पुरुष के जो है एग्जाम्पल्स है। जैसे कि तुम खेल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, आपको अपने माता पिता की आदर करनी चाहिए। तो ये जो है हम लोग बोल रहे हैं कि जो किसी के बारे में, यानी सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया था, कोई अगर जो है सुन रहा है उसके बारे में हम लोग जिस सर्वनाम का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष। और जो है अगला देख रहे हैं गौ नंबर, जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीन भेद हुए उसमें देख रहे हैं उत्तम पुरुष, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे जो है उत्तम पुरुष कहते हैं या कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस प्रोनाम का प्रयोग जो है कहने या बोलने वाला, कहने या बोलने वाला खुद के लिए करता है, अपने लिए करता है, जो है अपने लिए उपयोग करता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो है खुद के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है कल जो है स्कूल छुट्टी रखेंगे, तो ये जो हम अपने लिए कर रहे हैं। या कल की क्लास लेट से होगी, तो ये जो है हम अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसे मेरा जो है बात जो है अच्छी लगती है, या मेरी बात अच्छी है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अपने लिए जो है यूज कर रहे हैं। तो ये जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें कि जो सर्वनाम के जो छह भेद हुए, कितने भेद हुए, छह भेद हुए, तो उसमें पढ़े कि जो है पुरुषवाचक सर्वनाम उसके बारे में देखें। उसके बाद देखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हुए, कितने भेद हुए, तीन भेद हुए, उसमें से देखें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में पढ़े। अब देखना है कि सर्वनाम की जो दूसरा भेद है जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको क्या बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति, कोई निश्चित व्यक्ति हो उसके जो है, निश्चित व्यक्ति या किसी वस्तु का, निश्चित वस्तु या भाव का बोध हो उसे हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह कुर्सी लाल है, तो किसी एक कुर्सी के बारे में बोला जाता तो ये जो है निश्चित है कि यह कुर्सी लाल है। उसके बाद वह पढ़ने गया था, किसी के बारे में कंफर्म होकर बोल रहे हैं कि वह पढ़ने गया था, तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देख रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीसरा भेद है जिसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो है जैसे कोई कुछ अनिश्चयवाचक, कोई जो है अनिश्चयवाचक हो जाए, कुछ अनिश्चयवाचक, इससे कोई जो है मीनिंग, कोई मायने नहीं निकलता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो निश्चयवाचक हम लोग देखें जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध होता है, निश्चित, उसे हम लोग निश्चयवाचक कहेंगे। और जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में हो जाएगा कोई कुछ। तो हम लोग देख रहे हैं अगला संबंधवाचक सर्वनाम, किसके बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जिस सर्वनाम से अगर वाक्य में कोई जो है संज्ञा आए के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है, रिलेशन स्थापित किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देख रहे हैं कि जो सो, जैन तैन, ये क्या है, एक दूसरे के साथ
संबंध स्थापित करता है। किस प्रकार से? ध्यान दो कि इस प्रकार के सर्वनाम वाक्य में एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसे दिया हुआ कि जो सो, तो हम लोग बोले कि वाक्य के जो है एक दूसरे के बाद आते हैं। पहला आया जो, उसके बाद दूसरा क्या है सो, यानी जो करेगा सो भरेगा। देख रहे हैं कि जैन तैन, तो क्या है कि जैन करनी तैन भरने, तो क्या है कि यह संबंधवाचक सर्वनाम था। अगला नेक्स्ट देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, क्यों, या किसे, किनको, क्यों, कैसे आदि, ये क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स हैं। यानी जो है प्रश्न पूछने के लिए, वह क्या कर रहा है, कौन है जो पढ़ाई नहीं करता है, तो ये जो है क्या है कि जो कौन, क्या, किससे, किनको, क्यों, कैसे, ये जो प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अगला देख रहे हैं कि निजवाचक सर्वनाम, क्या निजवाचक सर्वनाम, कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से, जिस प्रोनाउन से स्वयं खुद का या निज का, खुद यानी निज का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यानी कि निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है, स्वयं या निज का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं, जैसे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, यानी निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं तो वक्ता, यानी वक्ता किसको कहेंगे, बोलने वाले को। जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग या उपयोग जो वक्ता जो है खुद के लिए करता है, अपने लिए, जैसे मैं स्वयं आऊंगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद स्वयं खुद, मैं आपसे स्वयं मिलने आऊंगा, तो ये क्या है कि जो निजवाचक सर्वनाम यानी जिससे स्वयं का बोध कराता है, निज का, खुद का बोध कराता है। तो हम लोग देखें इस सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में डिटेल से जो हम लोग जानकारी प्राप्त किया। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।